आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस जी, सांस्कृतिक कार्य विभाग के प्रधान सचिव श्री विकास खाटी जी, राजभवन के प्रधान सचिव संतोष कुमार जी, सांस्कृतिक कार्य विभाग के श्री विभीषण सौरे जी, श्री सुनील पवार जी, सुधीर थोराज जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित श्री सुधीर दास महाराज जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्रिय शिवभक्त भाई और बहन, खर तो मैं मराठी मध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करणार होतो पण मनात विचार केला की महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या शुभागमनी या कार्यक्रमाचा शुभारंभ आपण करतो आहे। अब इसके शुरुआत मैंने कुछ बातों के लिए हिंदी से करना उचित समझा। जहां हम उपस्थित है वह महामहिम राज्यपाल महोदय को पहले ये जानकारी देना मैं समझता हूं कि उचित होगा कि इसके बहुत ही निकट ये प्रभु राम के पावन स्पर्श से बाण गंगा है जो प्रभु राम के पावन स्पर्श से पूरी हुई है और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में भी माँ जिजाऊ ने उनके खून के हर कतरे में, हृदय के हर अंश में वीरता और पराक्रम के लिए रामायण की कथा और महाभारत की कथा सुनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में आदर्श प्रभु राम राजा थे और यह हमारा सौभाग्य है कि स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शक 350 ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी का शुभारंभ ये बाण गंगा के निकट से हो रहा है। 1108 जल कलश की रथ यात्रा निकल रही है। दूसरी इस रथ यात्रा की विशेषता क्या है? सम्राट राजा महाराजा कई छत्रपति शिवाजी महाराज ये सभी विश्व के लिए इसलिए आदरणीय रहे हैं कि अपने विचारों को उन्होंने कभी थोपा नहीं। औरंगजेब हमारा आदर्श क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो खुद को गाजी समझता था। उनके जीवन में जियो और जीने दो इस शब्द को कोई महत्व नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज ये सभी धर्मों का आदर करने वाले राजा थे। आज इस राज्याभिषेक के शुभारंभ कार्यक्रम की व्यवस्था विशेषता यह है कि जो 1108 जल कलश जाने वाले हैं उस रथ यात्रा का जो सारथी है वो है यहां पे मोहम्मद इब्राहिम। ये भी एक विशेषता है कि मोहम्मद इब्राहिम छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की रथ यात्रा को आगे बढ़ाने वाले। राज्याभिषेक का कारण सांस्कृतिक कार्य विभाग और यहां पे शिवभक्तों के मन में एकदम से स्पष्ट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कल्पना ऐसा राजा हो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के पहले 2000 वर्ष पूर्व चाणक्य ने चाणक्य ने इस देश के एकता के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए और देश ये विश्वगुरु बने इस दृष्टिकोण से जो विचार रखे ये हमारा सौभाग्य है। विशेष रूप से कि चाणक्य ने जो कल्पना की थी उस कल्पना में जिस राजा का वर्णन उन्होंने सोचा था वो राजा 2000 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में भारत में तो जन्म हुआ मगर हमारा सौभाग्य है कि वो महाराष्ट्र में जन्म हुआ। हम तो यही सोचते हैं कि 456 करोड़ वर्ष के पृथ्वी के इतिहास में एक सूर्योदय भगवान के कारण हुआ और दूसरा सूर्योदय शिवनेरी में 19 फरवरी 1630 में ये सूर्योदय हुआ जिसका सूर्यास्त फिर 1680 में रायगढ़ में। मगर इस सूर्य प्रकाश ने हमें यह सिखाया है कि जब तक सूरज चांद रहेगा हमारा
हिंदुस्तान का विचार अमर रहेगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों में शक्ति रही है। अब यह शक्ति कितनी हो सकती है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित करने की कई लोगों ने कल्पना की, कभी आदिल शाह ने की, कभी निजाम ने की, कभी औरंगजेब ने की, बहुत कोशिश की, लाखों सैन्यों के साथ अफजल खान आया, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जान लेने आया था, वो जान देकर जा पड़ा। मगर एक की विशेषता ये विश्व में एकमात्र राजा की है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को तो कोई पराभूत कर नहीं पाए, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद 27 वर्ष तक उनके विचारों को भी कोई पराभूत नहीं कर पाया। 27 वर्ष तक औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को समाप्त करने के लिए यहां आया। महाराष्ट्र के शिव भक्तों ने यहां उनको समाप्त किया, मगर 27 वर्ष तक औरंगजेब लाखों की सैन्य लेके आने के बाद भी उनको पराजित नहीं कर पाए। तो आज हमारा संकल्प यही है, हमारे लिए सिर्फ ये पूजा नहीं है, हमारे लिए एक हिंदू प्रताप दिन के अवसर पर यह राज्याभिषेक, जो बाकी सभी लोगों ने वो भी विक्रमादित्य काल किया, कभी शालिवाहन शक किया, 1596 शालिवाहन शक में यह राज्याभिषेक हुआ, बाकी सभी राजाओं ने अपने नाम से शक किए, विश्व में एकमात्र राजा रहा है जिन्होंने ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी को राज्याभिषेक शक किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कल्पना है, विशेषता है, कि हमें आज से महामहिम राज्यपाल महोदय के शुभ हाथों से जो महाराष्ट्र के घटनात्मक प्रमुख है, 13.5 करोड़ जनसंख्या के महाराष्ट्र के, जिन्हें हम संविधान के प्रमुख मानते हैं, मैं समझता हूं ये ऐसा योगायोग है कि माननीय संविधान प्रमुख महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथों से, शुभ हाथों से, पवित्र हाथों से आज हम यहाँ जल कलश अभिषेक रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये रथ यात्रा अब हम शुरू कर रहे हैं, मगर अगली हर जनरेशन इस विचारों की यात्राओं को आगे ले जाती रहेगी। ये मुश्किलों से मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ, और निश्चित रूप से राजा को विष्णु का अंश माना गया, और बाजू में समुद्र है, यहाँ माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि वहां भगवान विष्णु भी हमारी आवाज सुनते हैं। भगवान विष्णु निश्चित रूप से इस रथ यात्रा को लोगों के जन जन के मनोमन तक पहुंचाने के लिए आशीर्वाद देंगे। और जो अत्याचार इस देश ने औरंगजेब के माध्यम से देखा, जो कुटुंबता देखी, जिजिया कर देखा, हिंदू बहनों पे बलात्कार होने के बाद भी कुछ विशेष रूप से माफी को कानून बनाने वाले राजा को देखा, तो अगर वो हमारे लिए कभी आदर्श नहीं है। चंगेज खान जीवन के कोई युद्ध में पराभूत नहीं हुआ, मगर चंगेज खान का नाम लेने के बाद हमारे खून के कतरे में कोई चेतना जागरूक नहीं हुई। नादिर शाह ने 60,000 लोगों की चांदनी चौक में कत्ल की, आज भी उसका नाम लेने के बाद हमारे खून के कतरे में ऊर्जा नहीं आती। तैमूर लंग ने 1,00,000 मानवी कौकियों का राजमहल बनाया, मगर नाम लेने के बाद उत्साह नहीं आता। एक बार दिल से हम जब जय भवानी जय शिवाजी कहते हैं, तो हर खून का कतरा ये इतना ऊर्जावान बन जाता है। बस इस रथ यात्रा के माध्यम से वही ऊर्जा हमें गाँव गाँव तक पहुँचाना है। और मैं सांस्कृतिक कार्य मंत्री के नाते महामहिम राज्यपाल महोदय को हृदय से मन से धन्यवाद देता हूँ कि ये शुरुआत एक वर्ष के कार्यक्रम की हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय 24 घंटे से भी कम समय में हमें निमंत्रण हमने जब उन्हें दिया, उन्होंने एक मिनट भी नहीं लगाया। मैं समझता हूँ कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ये खुद एक बड़े शिव भक्त है, और इसी का व्यस्तता के बाद भी, कल वो यहाँ नहीं रहने के बाद भी उन्होंने एक मिनट भी गवाया नहीं, हमें समय दिया। बस उनसे भी यही प्रार्थना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय, जब कभी ऐसे कार्यक्रमों का नियोजन हमारे विभाग से किया जाएगा, अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखें,
उनके सभी सहकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। संतोष कुमार जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी हमें समय दिया। हमारी रथ यात्रा का उद्देश्य ही है महाराष्ट्र की जनता के हृदय में संतोष निर्माण हो, यही संतोष निर्माण के है। बहुत बहुत धन्यवाद।